दूसरा दशक परियोजना के तत्वावधान में बाप के गांव गांव ढाई ढाणी किया जा रहा टीकाकरण। टीकाकरण से वंचित लोगों के लगाए जा रहे टीके। दूसरा दशक परियोजना के तत्वावधान में बाप के गांव गांव ढाणी ढाणी टीकाकरण को लेकर टीकाकरण टीम को इस भीषण गर्मी में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन टीकाकरण टीम बिना रुके बिना थके शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को निर्धारित करने में जुटी है। इसी क्रम में आज बाप की गांव ढाणियों में रेतीले टीबों में टीकाकरण वाहन फंस जाने पर उसी टीम के सदस्यों द्वारा जैसे तैसे धक्के लगाकर गंतव्य निर्धारित कर बाप के दीदाश्री नूरे की बुर सहित आसपास की गांव ढाणियों में टीकाकरण से वंचित लोगों का टीकाकरण किया गया, जो अपने आप में एक बड़ी परीक्षा के रूप में साबित हो रहा था। हिंदू स्वराज दिवस के अवसर पर हिंदू जागरण मंच द्वारा 12 जून को आयोजित विशाल शोभा यात्रा की पूर्व तैयारियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्यालय फलोदी में किया गया एक बैठक का आयोजन। हिंदू स्वराज दिवस के उपलक्ष्य पर फलोदी के पशु मेला मैदान में 12 जून को आयोजित विशाल शोभा यात्रा की पूर्व तैयारियों को लेकर आज शहर के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गाँव से आने वाले लोगों को झंडी डंडी वितरित की गई। शोभा यात्रा के लिए सामग्री का भी वितरण शाम 7 बजे तक किया गया। मंच संचालन दिलीप कुमार व्यास, टेंट माइक लाइट व्यवस्था रमेश थानवी, कन्यालाल व्यास, मंच सज्जा लीलाधर, सत्यनारायण भट्टर, माला साफा की व्यवस्था जयप्रकाश गुचिया, स्टिकर और पोस्टर बैनर राजेश व्यास, पानी की व्यवस्था एडवोकेट जेपी जोशी, मणिशंकर गज्जा, हरीश छंगानी को प्रदान की गई। बाहर से आने वाले वाहनों की व्यवस्था पशु मेला मैदान के पास बस स्टैंड में की गई है। सभा स्थल पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था आर के पब्लिक स्कूल के बाहर व अंदर, सरस्वती स्कूल के बाहर और अंदर, अम्बेडकर उद्यान के पास, सभा स्थल के बाहर, सामुदायिक भवन से आगे सड़क पर की गई है। शोभा यात्रा पशु मेला, कुम्भारों का वास, सेवकों की बगीची, हरिजन चौराहा, हरिजन बस्ती, ब्रह्मभाग, लटियालपुरा स्कूल, लटियाल मंदिर, लटियाल रोड, भया नदी, जवाहर प्याऊ, जनरल व्यास सर्कल, रेलवे स्टेशन, नागो रोड, आदर्श नगर, सामुदायिक भवन प्रांगण में बैठक में प्रवचन होगी। संत प्रतापपुरी महाराज मठाधीश, तारातरा मठ, क्षेत्र संगठन मंत्री, हिंदू जागरण मंच मुरली मनोहर संबोधित करेंगे। इस दौरान अन्य सभी संत समाज उपस्थित रहेगा। आयोजन समिति द्वारा मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा शोभा यात्रा में उपस्थित दर्ज करवाकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। दूसरा दशक एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सावित्रीबाई फुले छात्रावास में आयोजित 3 दिवसीय किशोरी आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन फलोदी व बाप क्षेत्र की 33 किशोरियों ने लिया भाग। दूसरा दशक एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सावित्रीबाई फुले छात्रावास में आयोजित 3 दिवसीय किशोरी आवासीय प्रशिक्षण का आज गुरुवार को समापन किया गया। प्रशिक्षण में दीदाश्री जैमला, अक्खाधना, शेखासर, मालम सिंह सिड, कल्याण सिंह सिड, बाप व फलोदी की 33 किशोरियों ने भाग लिया। परियोजना समन्वयक प्रीति राठौर ने बताया कि स्वस्थ माँ अभियान के तहत किशोरियों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना व मुख्यमंत्री राजश्री योजना की जानकारी प्राप्त कर लीडर के रूप में तैयार हो रही है। युवा मंच से जुड़कर हम उम्र किशोरियों व युवा महिलाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। किशोरियों से वंचित महिलाओं का पता करके इस सर्वे का तैयार किया जाएगा। किशोरियां गांव-गांव जाकर अपने गांव मोहल्ले में सर्वे कर वास्तविक स्थिति का पता करेगी। किन किन गर्भवती महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, यदि नहीं मिल रहा तो इसके क्या कारण रहे। इसके तहत किशोरियों के रोल प्ले के माध्यम से बताया कि वह अपने गांव किस तरह जाकर और योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी, साथ ही जो योजनाएं से वंचित है उन्हें योजनाओं का लाभ किस तरह से मिले इसके लिए प्रेरित करेंगी। कंचन थानवी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, जननी सुरक्षा योजना व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।